अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बाय चांस एक जगह पर आए हैं, है तो ये जद्दा यॉट क्लब। देखते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी है। तो मौसम थोड़ा गर्म है, बट लेट्स सी क्या है। मेरे सामने कुछ इस किस्म का बना हुआ है सीन। अगर आपको कोई आइडिया है कि ये किस लिए है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका मकसद है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वेदर गर्म है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा रतूबा भी है, बट ये है कि रौनक काफ़ी ज़्यादा है, मज़ेदार माहौल है। वेदर का इशू ना ना हो तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। माशाल्लाह हाजी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं और रौनक है अच्छी खासी। मस्जिद रहमा बिल्कुल चेंज ही हो गई है अब तो, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या एक्टिविटीज़ हैं हमारे साथ। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मस्जिद रहमा में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। काफ़ी सारी पुरानी यादें भी आईं, लेकिन बहुत चेंज है। अगर आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये वही जगह है जहाँ पे आपने टाइम गुजारा है। बहुत ज़्यादा चेंज है। तो बच्चों का इरादा था कि उनको जो है वो ट्रेन लेके दी जाए, तो जो है वो उनको अब हमने ट्रेन पे बिठा दिया। अभी थोड़ी देर बाद जब ये चलेगी तो आपको दिखाएंगे। शमीर, शमीर।
इट वाज लास्ट सरप्राइज फ्रॉम जद्दा यॉट क्लब. बहुत ज़बरदस्त था, अनएक्सपेक्टेड, लेकिन इट वाज क्वाइट अमेजिंग आई मस्ट से. बड़ा मज़ा आया. और अब जो है वो वापसी है, बट मैं समझता हूँ कि उसको वाकई अबूर हासिल था म्यूज़िक पर. एंड सैक्सोफोन जो वो बजा रही थी, शी इट वाज ऑसम आई मस्ट से. सो एक अच्छी ट्रीट मिल गई जाते जाते हमें. तो अब हम जा रहे हैं वापस. उम्मीद है ये छोटा सा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा. तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में.